बच्चों, आज हम रिवीजन वर्क फॉर हाफ ईयरली एग्ज़ाम, आज हम लोग रिवीजन वर्क करेंगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। पांच प्रश्न हम लोग पहले कर चुके हैं, आज हम लोग छठे प्रश्न को करेंगे। प्रश्न छः क्या है, देखिए। दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द पर रेखांकित करें। देखिए, यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं उनमें जो क्रिया शब्द है उनको रेखांकित करना है, नीचे में उसके नीचे रेखा खींचना है, ठीक है, और उसको बतलाना है कि ये है क्रिया शब्द है ये। बच्चों, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ना क्रिया, कि जो शब्द से किसी काम के होने का पता चलता है वो शब्द क्रिया होता है। जैसे हिरन दौड़ता है, दौड़ता है एक क्रिया है, तो इसे हम ऐसे रेखांकित करेंगे इस तरह से, इस तरह से हम इसे रेखांकित करेंगे और बतलाएंगे कि ये क्रिया शब्द है। फिर देखिए, बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ये काम है, क्रिया है, तो इसे हम पढ़ते हैं को इस तरह से रेखांकित करेंगे, इसके नीचे रेखा खींचेंगे। देखिए, रेलगाड़ी छूट गई, छूट गई ये एक क्रिया शब्द है, तो हम इसे इस तरह से रेखांकित करेंगे। इस तरह से हम इस प्रश्न को करेंगे। अब देखिए, सातवां प्रश्न है, प्रश्न सात। निम्नांकित पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखे। देखिए, यहाँ पे पुल्लिंग शब्द लिखा हुआ है, इसके हम लोग को स्त्रीलिंग शब्द लिखना है। तो देखिए, पहला है भाई, भाई का स्त्रीलिंग होगा बहन, तो लिखेंगे बहन। फिर देखिए, नाना जी, नाना जी इसका स्त्रीलिंग होगा नानी जी। फिर है बकरा, बकरा का स्त्रीलिंग होगा बकरी। फिर घ में है मोर, मोर का स्त्रीलिंग होगा मोरनी। तो इस तरह से हम लोग इस सात प्रश्न को करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, आप लोग भी इसे अपनी हिंदी की कॉपी में इस तरह से इसे करोगे और इसे पढ़ोगे।